आपके साथ। पूर्णिया में मनाई गई स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण की जयंती। जनता पार्टी की पूर्णिया इकाई द्वारा जयप्रकाश नारायण की तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। मौके पर पूर्णिया सदर से जनता पार्टी के उम्मीदवार मिहिर आनंद सिंह सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर मिहिर आनंद सिंह ने बताया कि जयप्रकाश जी के सारे शिष्य हैं जो आज राजनीति के फलक पर हैं, मगर उनकी विचारधारा को भूल बैठे हैं। ऐसे में 30 साल हमने एनडीए और राजद के कार्यकाल को देखा, अब विकल्प के तौर पर यूडीए गठबंधन से जनता पार्टी एक विकल्प है बदलाव के लिए। जी, आज पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहूँगा। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है और जैसे कि आप जान रहे हैं, उन्होंने ही जनता पार्टी का नींव रखी। आज उसी उपक्ष में मैं बात भी करना चाह रहा था और जनता पार्टी की ओर से हमें इसका भी समझा गया। पूर्णिया सदर से मैं प्रत्याशी हूँ जनता पार्टी का, इसी पक्ष में आप लोगों से बात करनी थी, आप लोगों तक अपनी अपना जो संदेश है पहुँचाना था। अच्छा, किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में उतरेंगे इस बार? सर, सबसे पहले तो मुद्दा है भ्रष्टाचार, क्योंकि शिक्षा हो, रोजगार हो या स्वास्थ्य, हर जगह भ्रष्टाचार है। शिक्षा आप लेने जाइए तो सरकारी स्कूल में क्या शिक्षा मिलता है, ये आपने सबको पता है कि हमें पता है। जो शिक्षक को भी खुद शिक्षित होने की जरूरत है, वो शिक्षा दे रहे हैं, उनको बस जो सैलरी मिलती है, क्या वो उस सैलरी में आप अच्छे शिक्षक को नहीं बहाल कर सकते? अच्छे शिक्षक को रखिएगा तब तो जाके अच्छी शिक्षा वो दे पाएंगे बच्चों को, आगे भविष्य ठीक होगा। स्वास्थ्य आते हैं, जब भी आप किसी सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो बिना वहाँ 150-200 हज़ार रुपये दिए हुए आपको जल्दी रेफर नहीं किया जाता है, वहाँ भी भ्रष्टाचार है। तो मेन मुद्दा तो हमारा भ्रष्टाचार है। रोजगार तो इस कदर खा गया है बिहार का कि ना ही कोई प्लांट है, ना ही कोई इंडस्ट्री है, ना ही बनाया गया, ना ही कोई आईटी पार्क है जहाँ आज के युवा अपने बिहार में रहकर ही जॉब कर सके। पढ़ाई में पीछे नहीं आज के युवा, पढ़ रहे हैं तभी तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो बढ़ कहाँ रहे हैं? बाहर जाके, अपने माता पिता से दूर होकर, अपनी ज़मीन से दूर होकर, तभी तो पूरे हिंदुस्तान उनकी है। लेकिन सबसे पहला दायित्व तो अपना घर होता है, जिसको संभालना होता है। मैं भी आज अपने घर पे हूँ, मेरे माता पिता के साथ हूँ, पढ़ाई लिखाई मैंने ही बाहर से की, मजबूरी में की, क्योंकि यहाँ पे वो जो शिक्षा मुझे चाहिए थी वो यहाँ मिल नहीं पाई। जो सरकारी स्कूल की स्थिति हो रखी है वो हर गरीब बच्चे नहीं पढ़ पा सकते। जो बड़े घर के बच्चे हैं, जिनके पास, जिनके पिताजी के पास बहुत पैसे हैं, वो जीडी को इनका जैसे बड़े स्कूल में फीस दे के पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो इसीलिए हमारा मुद्दा तो पहले भ्रष्टाचार है, इसको ख़त्म करना है। अच्छा, आप लोग यूडीए के साथ में ही लड़ेंगे? जी, गठबंधन है। अच्छा, जनता पार्टी कितने सीटों पर लड़ रही है बिहार में इस बार? अभी तक तो पहले और दूसरे चरण का अनाउंस हुआ है, कुछ सीटें और हमारे जनता पार्टी के उसमें आएगी। करीबन 75 से 80 सीटें हम लोग जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तीसरे विकल्प के तौर पर आप लोग देख रहे हैं? तीसरे विकल्प पर, तीसरे बोले, पहले विकल्प अभी है, तीसरा विकल्प है ही नहीं सर। यूपी और एनडीए को हम लोगों ने देख लिया 30 साल, बिहार को क्या मिला ये हम लोगों ने भली भांति देखा है, सब जान रहे हैं कितने क्या स्तर हो चुका बिहार का, तो पहला विकल्प है। अच्छा, काफ़ी दशकों के बाद जनता पार्टी वापस से इस बार आ रही है बिहार में, कैसा रंग रूप देखने को मिलेगा चुनावी नतीजे के बाद? जनता पार्टी जिस रंग रूप से श्री जयप्रकाश नारायण जी, स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी ने जनता पार्टी को रूप दिया था और जिस दमखम बल के साथ जनता पार्टी उस समय तानाशाही के खिलाफ खड़ी, आज भी एक तानाशाह जो हिंदुस्तान को अभी चला रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी वो भी तानाशाह बन चुके हैं, उनके लिए जनता पार्टी खड़ी हो चुकी फिर से वही दमखम के साथ। जीतने के बाद प्राथमिकताएं क्या होंगी आपके? देखिए, प्राथमिकताएं तो शहर के नाले सड़कें तो सब बताते हैं। शहर की मेन रोडों की बात करें तो बहुत सही होती है रोडें,
क्या जितनी गलियां हैं उनकी सड़कें सही होती हैं, उनके नाले सही होते हैं, जितने सरकारी स्कूल हैं उनको वो सही समय पे वो लोग जो उनको मिलना चाहिए, जो बच्चे वहाँ पहुँचने चाहिए, शिक्षा उनको मिलनी चाहिए, वो मिल पा रहा है। तो और जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं बिहार में, खास करके हमारा हमारे विधानसभा में, हमारे पूर्णिया में जब वो यूनिवर्सिटी है, वहाँ से 3 साल से 4 साल में 2 ग्रेजुएशन होना चाहिए जनरली, लेकिन यहाँ 5 से 7 साल किया जा रहा है। तो हम लोग पहले शिक्षा पे, रोज़गार पे ये ध्यान देंगे। रोज़गार पे आते हैं तो हम लोग इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा यहाँ देंगे, जितने भी स्वयंसेवी संस्थान हैं या जो आज के युवा हैं जो खुद से रोज़गार करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, उनको बढ़ावा देंगे, चाहे वो बैंक से लोन हो, क्योंकि लोन वगैरह ही प्राप्त करने में आजकल उनको भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है। तो ये रोज़गार हम लोग लेंगे, जितनी चीनी मिल्स और ये कॉटन मिल्स हैं वो सब बंद जो पड़ी हैं उन सबको चालू करेंगे हम लोग।